सिंध कल्चरल कमेटी की जानिब से कराची में सिंध का नारा सरदारी निजाम से छुटकारा के उनवान के तहत सकाफती सेमिनार का इनाकात किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने सरदारी निजाम के खिलाफ तजावीज पेश की जबकि सकाफती टेबलोज भी पेश किए गए। सिंध बॉयज स्काउट्स ऑडिटोरियम में मुनक्किद करदा सेमिनार में सीनियर साफी व दानिश्वर डॉक्टर जब्बार खटक, यूनुस मर, अब्दुर्रहीम मूसवी, एमपीए तंजीला कमरानी और दीगर ने खिताब करके सिंध में सरदारी निजाम के खात्मे और सिंधी समाज की तरक्की के हवाले से तजावीज पेश की। डॉक्टर जब्बार वारन जो मुश्तरका दोस्त इद्रीस खटक के 14 साल साजिश के इल्जाम में सजा आई है, उनका अलावा उनका पेरी जेका 8 सिपाही पंजाब में शहीद थिया और जिन्हें अज सियालकोट में कतल किया है, उन्हें ही शहीद किया सिपाहियों के इन हुकूमत उन्हें सिपाहियों के पांची हुकूमत के सिपाहियों के कातलन के आदत करें अज ये सूरत हाल ठाई है कि हाने कोई भी महफूज नहीं। कुछ लम्हों के लिए आम कत्ल है, लेकिन बाद में पता चला कि ये आम कत्ल कत्ल नहीं है, बल्कि ये कत्ल हमारे समाज के अंदर मौजूद जो एक जालिम एक गिरोह जालिम तबका जो मुख्तलिफ नामों से कभी सरदार, कभी वडेरा, कभी नवाब और कई इलाके के बदमाश और दादागीर और कहीं कोई सरकारी अफसर और कभी कोई बावर्ती अफसर के रूप में आके जो है हमारे अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ को चैलेंज करते हैं, उनकी ज़िंदगियों से खेलते हैं, उन्हें मौत की आगोश में पहुंचाते हैं, ये उसी मजालिम के सिलसिले की एक कड़ी थी। चुनांचे हमने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया ने और खुसूसन सिंध के मीडिया ने इस मसले के असल असबाब तरफ जो है अपने कारीन की और अपने अवाम की निशानदेही की कि वो ये ज़ालिमाना सरदारी निज़ाम है कि जिस जो के मुनकिद हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि नाज़िम जोखो
जैसा जो है ना एक आम शख्स कत्ल हुआ इन कल्चर डे के हवाले से सभी गाल सकाफत पर पान की सकाफत बचाने के लिए पान के सिंध की तालीम भी बचाई पव सिंधु दरिया बचाने पव सिंध जो जमीनू बचाने पव हिं तो सिंध ढे नाजुक दौर में भी गुजरे वडेरा शाही अज का वी ना बाबा सिंह कामिर हैदरबंद जो इन वडेर जागीरदार के जंग जोटण के लिए डिप्टी कलेक्टर के लत हणी चई हारी हकदार हारी इनकलाब जो नारो ली जैसे सिंधी मैदान से लथो तो उन सब अचीवमेंट कई उन जैसे अध बटे की तेरी गली हुई तो ओडी मल शहीद माई बख्तावर कुर्बानी दिनी उन कामेर जंग जोटी उन वन यूनिट की तेरी हुए या अलाडी तेरी हुए उनमें कामेर हैदर बख जो कई अगभरो रहे हिंसर मानू तो सियासी पार्टियों के अगभरो खे बाबा ये सियासी पार्टी हुई जिन कालाबाग डैम जो ऐलान वापस वा ये तो कामेर वडेरा वतन में जो हाराए वेठा मिठी सिंध पेजी के माराए वेठा हकन पांजन के कुहाराए वेठा बचन मानों के रुआराए जे पान मुतहद नथियों तो मां समझा तो ये सिंध जहाँ मानू रोड रस्तन से न होजन तो नाजम चौखे साहब एतो इंसाफ न थे उनको खून भुनाए कौम हुई इं सिंध हुई जैसे रोडन से बीठी अज भी सिंध के साई जी एम सैयद रसूल बख्शपली जो बाबा सिंध हैदर बख्श पी के फलसफे से हलो पवन न सिंध अुखारी थी हि सिंध सिंध के मानों का हली वी हि नाजम चौखे जो मसलो ना है हि फेमीदा सियाल जो मसलो ना है हि सजी सिंध जो मसलो है चंद ऐसी सहाफी तंजीमें थी चंद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी चंद ऐसी सिविल सोसाइटी के लोग थे जो दहशत गर्दों के दौर में भी उनके खिलाफ आवाज उठाया करते थे आज उनका नाम और निशान नहीं है तो सरदार वडेरे सुन ले ये वही लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं और इंशाल्लाह ताला तुम देख लेना तुम सरदारों और वडेरों का भी नाम और निशान मिटा देंगे पूरी कमेटी के जिन सभी के बुधा चाहे एक्चुअली कल्चर के मतलब क्या है यो बुधा रुको रोटी जब पाए कल्चर जो कल्चर एक्चुअली इतने थोड़ी देर का बैठी मुझे आई टी से मुझे एजुकेशन आई टी की है हाँ फार्मिंग भी आई टी जो है तो वेठे वेठे मुझे ऐसी रहस सरदार लफ्ज की माना गूगल से इतने किथे भी मुझे नजर को आयो तो सरदार मतलब तो ताकि सर्टिफिकेट मिली वो ताकि मजलूम तो जुलम करो सरदार का मतलब तो मानों के मथा ताकि खुदाई का सर्टिफिकेट मिली वो सरदार का मतलब तो हाँ तेसा किथे कदें भी जुलम कर सको उनके रोकने वालों कें भी ना तो आऊँ ये चाहस तो अस सिर्फ लफ्ज सरदार के लिखो अस उन सोच के वी हलूँ जफ्ज के खराब कर रही है और नी चाहें तो इंदर पंजा साल लफ्ज सरदार नशीली लफ्ज वागर गार बन वे जिते को मू पान के सरदार सदाय में शर्म महसूस करे समझो जगह तक गुजरा थी उ लम्हा महसूस क्या जैसे तो खानदान की जात या तुम नालो तार बन अभी जो शाहपुर का वाक्य कहते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ वाक्यात हैं इसमें यही है कि मजहब को इन्होंने अपने सियासत के लिए और समाज के अंदर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया और उसी को आज एक तरफ से वज़ीर आज़म कहते हैं मैं शर्मसार हूँ और दूसरी तरफ से उन्हीं लोगों को जाकर मुबारकबाद देते हैं उन्हीं लोगों के ऊपर पाबंदियाँ भी ख़त्म करते हैं उन्हीं लोगों के साथ जाके आइंदा मिलकर सियासत करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर ये मसला है कि भाई किस तरह से हमने इस मुल्क की सियासत के अंदर जैसे इकराम साहब ने कहा कि बुनियादी बात लैंड रिफॉर्म्स की है उसको मुल्क के स्ट्रक्चरल तब्दीलियों की है लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर ये मजहब की बुनियाद के ऊपर सियासत के खात्मे की जो है वो जद्दोजहद भी तमाम पार्टियों को जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं उनको करने की ज़रूरत है। सेमिनार के अख्ताम पर मशहूर सिंधी गीतों पर रक्स करके टेबल्स भी पेश किए गए। गडोली गडोली याद गडोली बंदी
कौड़िया की कंडोली कंडोली यानी कंडोली भरदी एक ना कदू में डरदी एक मना कदू में डरदी यानी कंडोली कंडोली शाहे